हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिन भर मैं शूट नहीं कर पाई, आज काम भी बहुत था, मुझे आज वीडियो भी अपलोड करना था, तो करते करते बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए मैं आज दिन में और शूट नहीं कर पाई। और अभी तैयार होके मैं जा रही हूँ घर, तो घर जाके अगर शूट कर पा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो आकर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मैं घर आ गई थी और राही अपना होमवर्क कर रही थी। और अभी ये इसको 3 साल ही हुआ है फ्रेंड्स, इतना भी मतलब प्ले स्कूल ही जा रही है, थोड़ी लंबी हो गई है इसीलिए पता नहीं चलता, लेकिन बहुत बच्ची है लेकिन इसको बहुत कुछ आता है। और हम लोगों को राइम सुना रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर भी कर लूं। से, फिर से अपने मामू के साथ ये खेल रही थी। और हमारे यहाँ ना ये फूफा फूफी ऐसे नहीं बोलते, मुझे ये नाना बोलती है उड़िया में, कलाहंडी में खास करके यहाँ पे नाना बोलते हैं और मामू बोलते हैं। तो वही दोनों खेल रहे थे, वरुण उसके लिए कुछ ड्राइंग कर रहे थे, कुछ पेंटिंग वेंटिंग ऐसे कुछ कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ हम लोग भी बैठ के बच्चे हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है ना बहुत, मतलब जैसे एनर्जी मिल गई है आप लोगों को, बूस्ट हो गया है पूरा एनर्जी। तो वही हम लोग घर गए थे तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी से मिली और कोई तो नहीं था, मम्मी थे, चाची थे और ये राही थी, और भाई भाभी तो गए हुए हैं बाहर, उनका एग्ज़ाम है, लेकिन राही भी रह जाती है मेरे पापा के साथ भी, वो बहुत क्लोज है। और यहाँ पे ये मेरे साथ खेल रही दीपिका, वो तो वही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी मैं घर से आ गई हूँ और घर जाके बहुत अच्छा लगता है, और चाहे जितना भी टेंशन हो, चाहे जितना भी आप बिजी हो, मतलब राही को देख के ना सब भूल जाते हैं। और मैं और वरुण भी वही थोड़ा सा ये हेक्टिक टाइम जो हम लोग यहाँ पे घर पे काम इतना रहता है, वरुण का काम रहता है, मेरा काम रहता है, इसमें से जब घर जाते हैं, घर जाके आते हैं तो बहुत फ्रेश फील होता है और अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। और कुछ नहीं, अभी हम लोग पकोड़े जलेबी ये सब लेके आए हैं, रात के टाइम में नहीं खाना चाहिए, वेदर भी ख़राब है, लेकिन मन किया जब गरम गरम कहीं पे तल रहा हो और उसका स्मेल चला जाए आपके आपके अंदर, तो ऑब्वियसली आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जलेबी भी बहुत अच्छा मिलता है, जलेबी पकोड़े ये सब बहुत अच्छा मिलता है। और आज का ये ब्लॉग, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का ये ब्लॉग मैंने सेकेंड हाफ को शाम को ही मैंने स्टार्ट किया है, तो इसको कंटिन्यू करूँगी कल भी, तो कल सुबह आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट डे ये सुबह का टाइम है, दीदी अपना काम कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ा सा काम ही है, तो बस फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज गए हैं और दीदी आके भी चली गई हैं, और मैंने उनको नीचे भेजा था अभी, और कुछ सब्जी आया था नीचे, तो इसीलिए मैं दीदी को नीचे भेजी थी। ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ककड़ी वकड़ी यही सब चीज़ें मैंने रखा, और ककड़ी तो हर किसी को खाना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए, और हर किसी के घर पे रोज़ यूज होता है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह तो थोड़ा धूप निकला था, लेकिन कभी कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, ऐसे करके ही है। और आज खाने में मैं क्या बनाऊँगी लंच का, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, देखती हूँ क्या बनाऊंगी, आप लोगों को आज दिखाऊंगी, ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या बना रही हूँ।
और आज क्योंकि थोड़ा सा वरुण को लेट होगा, आज उनका थोड़ा टाउन से बाहर काम है तो गए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज, मतलब 2-3 बज जाएगा। और क्योंकि आज मैं बहुत सोई हूँ इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो फेस है ना थोड़ा सा स्वेलिंग होके है, तो कोई बात नहीं, चलता है मेरा फेस। लेकिन फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा, देखिए पिंपल्स, ये कितने सारे ब्रेकआउट्स हैं यहाँ पे, फोरहेड पे भी है। और के काफ़ी दिनों से ना फ्रेंड्स मैं पानी कम पी रही हूँ, और पानी भी कम पी रही हूँ और नींद मेरे को कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत दिनों के बाद आज मैं सोई हूँ अच्छे से, क्योंकि लास्ट 4-5 डेज से मैं सो नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं कि कोई टेंशन है या कुछ भी है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मेरे को नींद नहीं आती, पता नहीं मे बी इधर उधर का खाना, और पता नहीं एक अजीब सी एंग्जाइटी जैसे फील हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से मैं अच्छे से नींद नहीं आ रही मेरे को, मुझे बहुत कम नींद आती है। और ऐसा नहीं कि मैं दिन में भी सो जाती हूँ, मैं दिन में भी नहीं सोती, और रात को तो वैसे ही मतलब उल्लू की तरह बैठी रहती हूँ काफ़ी टाइम तक फ़ोन पकड़ के। अभी लेकिन सोच रही हूँ कि नहीं, फ़ोन को साइड में रख दूँगी या तो चार में बिठा दूँगी और सोने की कोशिश करूँगी कल। लेकिन मैंने अच्छा अपना नींद कंप्लीट किया है, और अभी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत जो घर का काम है वो ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, मैं अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं डालमा बना रही हूँ, ये मेरे स्टाइल का डालमा है, मैं 2 बार तड़का लगाती हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंट ही था, मैं पहली बार ऐसे बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि पहले भी ऐसे ही बनाती हूँ, मैं हर टाइम में अलग अलग बनाती हूँ। इसका फुल रेसिपी मैंने शूट किया है, पूरा वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा झलक बस दिखा रही हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ और वरुण का वेट की हूँ, आए नहीं है अभी तक, 3 बज गया है ऑलरेडी वो, और उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना अकेले खाने में, तो मैं उनका वेट करती हूँ, अगर वो आ रहे हैं तो मैं जितना भी टाइम हो जाए लेकिन मैं वेट करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार अगर बाई चांस जैसे कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेडिसिन लेना है, तभी मैं खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती, मैं उनका वेट करती हूँ। आज मैंने डालमा बनाया है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मैंने आज मिक्स दाल में डालमा बनाया है। डालमा उड़ीसा में यहाँ पे बहुत फेमस है ये। और आज का ये ब्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।